देश फ्रांसरे प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान। फ्रांस राष्ट्रीय परेड में मोदी साजिले खास मेहमान। भारत फ्रांस संपर्क में लेखा है नुआ इतिहास। माक्रन मोदी बंधुत्व देखे अचंबित सारा विश्व। सारे जहां से अच्छा धुन रे भारतीय जवान का परे तेबे यहाँ राजपथर दृश्य नुहे ना राजधानी दिल्ली रा अन्य कोनोसी मार्ग। यहाँ फ्रांस प्यारिस रा चैम्स एलिसिस जोठरे भारतीय सेनारा जवान आन बान और सान रा सह करुछंती परेड। आउ अवसर हेउछि बास्टिल डे परेड रा। बास्टिल डे हेउछि फ्रांस रा राष्ट्रीय दिवस। आउ एही दिन अर्थात 14 जुलाई भारत फ्रांस बंधुत्व क्षेत्र में रचा हो नुआ इतिहास। कारण बस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि भाव में सामिल होती प्रधानमंत्री मोदी। यही दिन में फ्रांस कौन विदेशी अतिथि को साधारणतः सामिल करे नहीं, किंतु प्रधानमंत्री मोदी क्षेत्र में घटी यार व्यतिक्रम। यही गौरव हासिल करिवारे मोदी होती प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री। फ्रांस राष्ट्रपति मानुएल माक्रन का निमंत्रण क्रमे चलित वर्ष बस्टिल डे परेड रा मुख्य आकर्षण साजी प्रधानमंत्री मोदी। आ सारा विश्व देखिला भारत फ्रांस मध्य बंधुत्वर नुआ अध्याय। यह अवसर में प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस लीजियन ऑफ ऑनर रे सम्मानित करा। भारत फ्रांस मध्य 25 वर्षर संपर्क जोड़ी हो नुआ फर्द। परेड्रे पीएम मोदी राष्ट्रपति माक्रन को उपस्थिति रे फ्रांस सेना सह भारतीय स्थल सेना वायुसेना और नौसेनार 269 जवान शानदार परेड रे प्रदर्शन करी। गुरुवार प्रधानमंत्री मोदी पेरिस लैसिन म्यूजियम रे भारतीय समुदाय को संबोधन करी। मोदी मोदी नारे कंपी थिला पेरिस रही ऐतिहासिक हब। फ्रांस में रहुवा प्रवासी भारतीय को निवेश निमंत्रण करते मोदी। एथस भारत विकास निज संकल्प दोहर प्रधानमंत्री। 21वीं सदी की दुनिया टेक्नोलॉजी और टैलेंट के दम पर ही आगे बढ़ेगी। भारत और फ्रांस के बीच साझेदारी का ये बहुत बड़ा आधार है। हमारा स्पेस प्रोग्राम इसका प्रमाण है। थुम्बा में जब साउडिंग रॉकेट स्टेशन के निर्माण की बात आई तो फ्रांस ही था जो मदद के लिए आगे आया। आज प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस प्रधानमंत्री सीनेट और नेशनल असेंबली अध्यक्ष समेत फ्रांस अनेक विशिष्ट नेतृत्व को भेटिवार रही कार्यक्रम। तेब सबुठ गुरुत्वपूर्ण होउछि प्रतिनिधि मंडल स्तरीय कथबार्ता जेउथिरे फ्रांस टारु 26टी राफेल एम ओ 3टी स्कॉर्पियन सबमरीन किणिबा नै दुई देश मध्यरे हेबा बड़ राजीनामा। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।